ये सिर्फ 1000 वाट ले रहे हैं। इसमें हम नल यूज कर रहे हैं तुर्की का। इसकी चूड़ियां भी आप देखेंगे पीतल की हैं। ये कोई करंट नहीं, आप चेक कर लीजिए। ये ज़्यादा खर्चा नहीं है, टाइम की बचत है। पानी गर्म करो, ये करो, इससे बेहतर बंदा ये ले आए। तो भाई आज जो है वो दिसंबर की ही एक शाम है, और तसव्वुर करो कि अगर दिसंबर की सर्दियों में जो है वो तुम्हें कोई सुबह सुबह उठाए और बोले ठंडे पानी से नहाओ तो कैसी झुरझुरी चढ़ जाती है। तो भाई उसके सलूशन है गीज़र, लेकिन गीज़र इतने महंगे हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर हैं। 20,000-22,000 रुपए का गीज़र है। मैं इस वक्त आया हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉप पे, जहाँ पर जो है वो इन्होंने एक नया किस्म का गीज़र इन्वेंट किया है। आए आपको दिखाते हैं। ये नीले रंग के ड्रम्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, किसी ज़माने में पानी की स्टोरेज के लिए जो है ये इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो इसको एज ए गीज़र इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर एक यूनिट बना हुआ पड़ा हुआ है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर कैप भी लगा हुआ है, उमूमन कैप्स होते नहीं हैं गीज़र के ऊपर, ठीक है। 27 लीटर का गीज़र है भाई ये, और इसके अंदर एक एलिमेंट लगा हुआ है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का एलिमेंट है, क्योंकि इसके पीछे एक थर्मोस्टेट भी दिया हुआ है। आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, बिजली से चलने वाला जो है ये गीज़र कह लें आप इसको, पानी गर्म करने की मशीन कह लें। 1500 वाट का है ये, और आजकल बड़ा इन है मार्केट में, और सिर्फ आपको जो है ये 30 लीटर के साइज़ में 2700 रुपये का मिलेगा। टैप लगा हुआ है, आप अपने बाथरूम में रख दें इसको, बिजली से करंट लगने का कोई ख़तरा नहीं है। बाकी हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे, बाथरूम में रखिए, आप टैप खोल के जो है गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेके चलते हैं दुकान में। देखिए इनके पास पुराने मॉडल के चूल्हे भी यहाँ पर हैं, ये आप चूल्हे देख रहे हैं, ये पैलेट वाले चूल्हे हैं, गैस वाले चूल्हे हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले आई, इलेक्ट्रिक हीटर्स आए, लेकिन जो है वो बहुत जितनी चीज़ें जो है वो आई मार्केट में उतनी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती गई। ये पैलेट देखें आप, ये पैलेट रखे हुए, पैलेट वाले चूल्हे भी एक टाइम पे बड़े मशहूर हुए, लेकिन भाई वो सब अब ख़त्म हो गया, और अब दौर है इसका। ये आप देख रहे हैं ड्रम गीज़र का। तो आपकी बात कराएंगे जैन से, जैन होते हैं यहाँ पे, वो हमें बताएंगे कि क्या है, किस तरह से है, और आपको इसका डेमो भी दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, ये देख रहे हैं बाबर भाई हमसे पहले पहुँच गए हैं यहाँ पे। चलो खैर है, कोई नहीं, जैन से आपकी बात कराते हैं, जैन वहाँ खड़े हुए, और फिर हम आपको बताएँगे कि जो है वो जैन हमें सारा डैमो में करके दिखाएंगे। भाई यहाँ पर हम दुकान के अंदर आ चुके हैं, जैन भाई हैं हमारे साथ, और जैन भाई जो है वो हमें मुकम्मल जो है वो डैमो करके दिखाएंगे इसका। और ये डैमो तो खैर हम बाहर करेंगे, लेकिन सारी डिटेल जो है जैन भाई से लेते हैं। पहले तो ये बताएं, ये इन्वेंशन किसकी है, ईजाद किसकी है? भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईजाद है ये। अच्छा। ये इसका स्पेयर पार्ट जो है आज से 2-3 साल पहले हम बलूचिस्तान, पंजाब और इसके अलावा अंदरूनी सिंध में, जहाँ कराची से ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हम इसका स्पेयर पार्ट्स बेचते थे, वहाँ से सेल करते थे, तो ये वहाँ पर यूज़ होता था। अब यहाँ 2-3 साल से मतलब गैस है ही नहीं, तो हमने ख़ुद भी ट्राई किया, उसको यूज़ किया पहले, तो यूज़ करने के बाद माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आया है इसका। तो अब जो है पिछले साल हमने अपने घरों में यूज़ किया है, तो अपने घरों में यूज़ करने के बाद जो है इसका रिज़ल्ट बेहतरीन जब निकला, तो हम अपने काउंटर पर लेकर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस पर। तो अब जो है मैं आ जाता हूँ। अच्छा जैन भाई, मैं दो तीन मोटी मोटी बातें हैं, पहले वो क्लियर हो जाए। एक तो ये है कि लोगों को ये लगता है कि करंट से जो ना लोग बड़े परेशान होते हैं कि करंट ना लग जाए, खुदा ना खासा सेफ्टी का मसला है, और दूसरी बात जो है बिजली की कंजम्पशन, ये दो पॉइंट क्लियर कर दें आप हमें। जी भाई, ये तो एक तो सबसे पहली बात तो ये कि करंट से आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि हम खुद जो है यहाँ पे डेमो करके दिखाएंगे आपको, पानी गर्म भी होगा, पानी में हम हाथ भी लगाएंगे और करंट भी ऑन होगा उसमें, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है कि आप ये अगर सोचेंगे कि यार घर में बच्चे हैं या लेडीज़ यूज़ कर रही हैं, तो बेफिक्र होकर बिला झिझक यूज़ करें इसको। हम आपको डेमो में भी दिखाएंगे और अपने हाथ से जो है चेक करवाएंगे आपको, कोई करंट नहीं है। और रही बात बिजली की, तो बिजली ये आप पूरा एक घंटा आप यूज़ करेंगे ना, तो उसका गिरना है एक यूनिट। जिस तरीके से हर बंदा टेंशन में परेशानी में है कि यार के गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र इतने महंगे हो गए, 22 से 25 हज़ार रुपये का एक इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया, तो आप गैस वाला जो है गीज़र ले लेते हैं, तो गैस वाले गीज़र में मतलब गैस नहीं होती, और इलेक्ट्रिक गीज़र लेंगे तो वो 3500 वाट तक जाता है। तो ये कोई 3500 वाट नहीं है, ये सिर्फ 1000 वाट है, ये सिर्फ 1000 वाट ले रहा है। मैं अब आपको दिखाता हूँ
कि हम इसमें क्या लगा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसलिए कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल है बिल्कुल। आप इसके करीब लेकर आए, सही, हाँ ये बिल्कुल सिंपल है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फ़र्क है, हमने क्या बनाया था और लोगों ने कॉपी किए, अब वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको सारे फ़र्क बताता हूँ। यह है एलिमेंट चाइना का, ये चाइना में एक क्वालिटी है, ये एक क्वालिटी का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आ जाता है इसमें चेकनट, जिसको नोज़ल बोलते हैं, ये पीतल की नोज़ल है और इसमें हम नल यूज़ कर रहे हैं तुर्की का, इसकी चूड़ियाँ भी आप देखेंगे पीतल की हैं, कि अगर आपका पानी अच्छा खासा जो है गर्म भी हो जाता है तो ना नल पिघलेगा ना आपके ड्रम को कोई नुकसान होगा, ठीक है। ये इस शेप में इसके अंदर लगा हुआ है ड्रम, ठीक है। अब जो लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है ड्रम, तो वो सेम ले रहे हैं लेकिन वो ये लोकल लगा रहे हैं एलिमेंट, उन्होंने 200-300 रुपये तो कम कर दिए लेकिन जो है एलिमेंट लोकल कर दिया और ये नल लोकल कर दिया, जो अमूमन कूलरों में लगा हुआ होता है ठंडे पानी के लिए। ये आम दुकानों पे भी, गली मोहल्ले से भी आपको 30-40 रुपये का मिल जाएगा, तो पिघल जाएगा जी। ये भी हमने बना दिया है, किसी को ये चाहिए तो ये भी है अपने पास, ये 2200 रुपये का। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये ओरिजिनल इटली की रॉडों, ये ओरिजिनल इटली की रॉड है, ये 1500 वाट है, ये 2000 वाट है। इसमें अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है कि यार हमें रॉड अच्छी लगवानी है तो हम उसको ये रॉड लगा के देते हैं, इसमें फिर रेटों में तकरीबन 1500 रुपये का फ़र्क आ जाता है। ये अभी अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 साइज अवेलेबल है, ये 30 लीटर है, ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा 2700 रुपये का। इसके बाद जो है ये 50 लीटर है, ये 50 लीटर का कैन है, ये आपको पड़ जाएगा 3000 रुपये का। इसके बाद आता है अपने पास 60 लीटर का, तो 60 लीटर 3500 रुपये का है। उसके बाद आता है 120 लीटर का, वो 4500 रुपये का। हमारी शॉप जो है मेन आरामबाग पर है, फ्रेस्को बेकरी से चंद कदम के फासले पर, भाईजान इलेक्ट्रिक के नाम से। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-221-8195। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करें, आप अपना एड्रेस बताएं, लोकेशन सेंड करें, हम आपको राइडर भेज देंगे। एडवांस पेमेंट नहीं है, आपका ड्रम घर तक पहुंच जाए तो आप हमारे राइडर को ही जो है, शहर से बाहर की हमारे जो है इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है इसी नंबर पर जी, आप हमें पेमेंट करें और 1 घंटे बाद जो है उसकी स्लिप ले लें आप हमसे। तो फिर डेमो दिखा रहे हैं जी, बिल्कुल आइए, आपको डेमो दिखाते हैं। अच्छा ये डेमो मैंने लगा दिया, ये देखे, ये इसका तार है, यहाँ लगाया मैंने कनेक्शन, ठीक है, थर्मोस्टेट इसका फुल पे कर दिया। ये ऐसे ही हमें मिलेंगे? नहीं, आपको तो जो है यहाँ पे तार टाइट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे नट वगैरह स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू खोलेंगे जिस तरह होल्डर के अंदर लगाते हैं बल्ब का, तो यहाँ पे से तार लगा के उसको टाइट कर देंगे। ये तो हमने बस वैसे ही कस्टमर को चेक कराने, नहीं तार आपने खुद लगाना है, तार खुद लगाना, मुझे बना के दे दीजिएगा, मैंने अभी घर जाके यूज कर लिया है, ठीक है। ये क्या प्लग इन कर दिया? ये प्लग इन कर दिया है मैंने, ठीक है, ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा अभी। कैसे पास रहेगा पानी गर्म हो रहा है? ये देखिए वो धुआं निकल रहा है, हाँ भाप आ रही है, भाप, ये पानी गर्म हो रहा है। इसके बाद जो आपका करंट का मसला, यहाँ से ना डालें, ज्यादा बेहतर है, वैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने यहाँ से सिर्फ पानी भरना है, पानी निकालना है जहाँ से वहाँ चेक करिए, ये कोई करंट नहीं, आप चेक कर लीजिए। गरम हो गया? हाँ गरम हो गया, चेक करें, गरम तो सही है, हो रहा है, लगाए ना अरे यार जबरदस्त है भाई, ये इससे ज्यादा गरम होगा? इससे ज्यादा गरम होगा, ये तो अभी 5 मिनट लगाया बस। अच्छा, ये पीछे थर्मोस्टेट सेट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा ये गरम हो गया, सही है, ये गरम बेहतरीन हो गया, ये करंट का भी मामला खत्म होगा आपके। अच्छा सेकंड ये कि लोग सवाल करते हैं कि यार आपने नल ऊपर लगाया एलिमेंट नीचे, तो उसकी वजह ये होती है अगर आप पानी घर वाले निकालते हैं, इसको निकाल लेते हैं तो ड्रम के अंदर पानी इतना होना चाहिए कि एलिमेंट पानी के अंदर डूबा रहे, अगर बिल्कुल खाली नहीं करना, एलिमेंट पानी में डूबा रहेगा, अगर घर वाले वायर लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो पानी जो है गर्म होगा और उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये पूरा खाली होगा तो ये एलिमेंट जल जाएगा, खाली जल के बगैर पानी के जल जाएगा, तो इसमें आपका नुकसान है। इस वजह से एलिमेंट को नीचे रखा गया है और टैप को जो है थोड़ा ऊपर रखा है, मतलब लोगों को यही लगता है। 1000 वाट का एलिमेंट है
और एक घंटे के अंदर आपका एक से डेढ़ यूनिट लेता है। मेरे हिसाब से हम कुछ ज़्यादा नहीं, एक से डेढ़ यूनिट अगर दो से तीन अफराद इसके अंदर नहा लेते हैं तो बुरा नहीं है। बानिस्बत इसके कि आप जो है 35,000 वाला गीज़र लगाएं, 3,000 वाट लगाएं और उसके जो है 5 से 6 यूनिट दें तो उससे बेहतर है। कितनी देर में हो जाएगा फुल गर्म? ये 15 से 20 मिनट में 30 लीटर वाला फुल। फिर ठंडे पानी है, मिलाते जाएं, नहाते मिलाते जाएं, नहाते जाएं। सुबह 10:30 से रात 10 तक टाइमिंग है हमारी। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0300-2218-195। ऑनलाइन भी डील करते हैं। 195 जी कमाल की चीज है ये। अच्छा भाई कह रहे थे इसके अंदर रॉड अगर थोड़ा हाई क्वालिटी के लगाना चाहे तो भी लग सकते हैं? तो भी लग सकती है, कोई इशू नहीं। इटली का एलिमेंट लगा लें आप। मुझे इटली का लगा दें। ये 40 लीटर वाला है? 50। आप ले रहे हैं सर? अच्छा कैसा लगा आपको देखने में? कैसा लगा? देखने में सही लग रहा है, घर जाके इस्तेमाल करेंगे पता लगेगा ना यार। अच्छा और क्या, अभी तो ले रहे हैं इसको हम। नहीं मतलब फिर भी एक देखने में एक वाइब आती है ना आदमी को। देखने में सही लग रहा है, पानी गर्म हो रहा है, सही चीज़ रिव्यू लेके आ रहा हूँ मैं। 1 2 3 एक करके आ गया। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी दोस्तों के साथ शेयर करें, और बड़ी अमेजिंग है, बड़ी काम की चीज़ है। और मतलब ले जाएं यार, 3,000 रुपये कुछ भी नहीं होते, बेसिकली 2700 रुपये का है। 2700 रुपये कुछ भी नहीं होते यार, आप जाएं और अपनी सर्दियां आसान बनाएं भाई। सुबह उठने में प्रॉब्लम है, सुबह नहा नहीं सकते, रात को नहा नहीं सकते, तो एटलीस्ट ये है कि इसमें जो है वो आप थोड़ा सा जो है आपको रिलीफ मिल जाएगा। और इस महंगाई के दौर में अगर ये इतनी सस्ती चीज़ और इतनी अमेजिंग चीज़ है तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो दुकान का एड्रेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एड्रेस आपको वैसे भी बता दिया है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।